हाय एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कुमार, इंग्लिश फैकल्टी ऑफ क्रेडिट चैन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने टेंथ को खत्म कर दिया था और लास्ट क्लास में हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स चेक किए थे, 15 क्वेश्चन लगभग थे हम, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, कि जिसमें मैंने डिस्कस किया था फिल इन द ब्लैंक्स टेंथ के ऊपर, जो कि कहा था पूरी कंसेप्ट को अप्लाई करके बनने वाली थी, ठीक है। तो वो 15 से हमने प्रैक्टिस किया है टेंथ के बारे में, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ठीक है, जिसमें आपको विभर्ज को यहाँ इम्प्रूव करना है। यहाँ क्या है, पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट इनटू मोस्ट सुटेबल टेंस, ठीक है। ये टेंस के हिसाब से कौन सा वहाँ वर्ब फॉर्म्स सुटेबल होगा या सही होगा, आपको यहाँ एरर फाउंड करना है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ गलती है ये क्या सही है, यहाँ ये सेंटेंस सही है कि गलती है, ठीक है। पढ़ के आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, इसे हम चेक करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सबका ट्रिक दिया हुआ है कि आप सेंटेंस को देख के कैसे पहचानोगे कि वो किस टेंस का है, और अगर आप ये पहचान लेते हो कि वो किस टेंस का है तो आपको एरर फाउंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको पता जब चल जाएगा कि ये वो उस टेंस का है तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता है, आप उस स्ट्रक्चर पर देखोगे कि यहाँ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ है द अर्थ मूव राउंड द सन, तो आपको मैंने कितने बार बताया है अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वत्रिक सत्य है, ठीक है। ये हर जगह माने है कि हाँ, कि हाँ घूमती ही है, जो बात एकदम कंफर्म हो उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ में डालते हैं। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी बात यूनिवर्सल ट्रूथ किया जाए तो हम क्या करते हैं, उसका हम यूज करते हैं कहाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना था, ठीक है। तो उस पर हम बैठाते हैं, तो मानो मूव क्या है, सब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म है, हाँ, तो देखो मैंने आपको ये बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी होती है वो सारी प्लुरल फॉर्म में होती है, और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है इसमें ऐसे आई एस हम लगा देते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। बेसिकली तो हम जानते हैं कि नाउन में ऐसे आई एस, मतलब जनरली किसी भी वर्ड में अगर ऐसे आई एस लगाते हैं तो वो प्लुरल बन जाता है, जैसे बॉय है, बॉय है, बॉय में हम एस लगा दिए हैं तो बन गया बॉयज, तो ये आपका सिंगुलर था और ये हो गया आपका प्लुरल। लेकिन ये कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है, ये कंडीशन अप्लाई होती है नाउन के लिए, लेकिन वर्ब में मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो लिखा हुआ तो सब प्लुरल फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें एस या आई एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि यहाँ आपका गो है, आपका गो ये प्लुरल है, ये आपका प्लुरल है, और यहाँ ई एस ऐड कर दिए इसमें अगर गोज हो गया तो ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है ना, तो सिंगुलर हो गया। सॉरी, यहाँ मैंने पूरा बोर्ड भर दिया साइड में, और देखिए क्या है, तो यहाँ मूव है, तो यहाँ अर्थ, अर्थ क्या आपका सिंगुलर है कि प्लुरल है, और जाहिर सी बात है कि सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए आपको यहाँ मूव नहीं होके क्या हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपका ये सिंगुलर बन गया। इसका फर्स्ट सेंटेंस को हमने करेक्ट किया, अब बात आती है सेकेंड सेंटेंस की। तो यहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड लास्ट में दिया, स्टर्डे आपको दिख गया, स्टर्डे का मतलब कि एक दात पहले की बात है, तो पहले की बात है तो क्या आपका पास्ट की घटना हुई, और पास्ट में कौन सी घटना, तो पास्ट की इंडिफिनिट की घटना होती है। तो पास्ट इंडिफिनिट में हम जानते हैं कि क्या लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ सी ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ सौ लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर बात क्या आता है, ही गो टू डेली टुमारो, देखिए यहाँ क्या आ गया, आपको मैंने दो बातें बताई थी टुमारो वाले केस में, फ्यूचर वाले केस में आपको दो बात मैंने क्या बताई थी, एक बात ये ऐसे था कि आपका अगर फ्यूचर का कोई प्लान फिक्स हो, ठीक है, कन्फर्म हो कि हाँ फ्यूचर में वही होना ही है, ठीक है, वहाँ मुझे जाना ही है, नहीं होता है कि मैं दिल्ली जाऊँगा, नॉर्मल है। और अगर आपका रहेगा कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रधानमंत्री का यहाँ आना फिक्स प्रोग्राम में हम काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ वह कल दिल्ली जाएगा तो उसका जाना नहीं जाना लगभग कंफर्म है, कंफर्म नहीं भी है, हाफ हाफ चांस वाली बात है, लेकिन वहाँ पीएम की बात हो, सीएम की बात हो, डीएम की बात हो,
बड़े बड़े ऑफिसर्स की बात होगी, यहाँ आने वाले हैं तो वो प्रोग्राम काफ़ी तगड़ा होता है, उसका होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 90% से ज़्यादा की होती है। ठीक है, तो यहाँ आपका वैसा फिक्स प्रोग्राम तो दिख नहीं रहा है, तो आपके यहाँ दोनों चाहो दोनों बना सकते हो, या तो आप कर दो ही विल गो, ठीक है, या फिर इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बना सकते हो फ्यूचर के प्रोग्राम को, अगर प्रेजेंट में शो करना है तो उसके लिए। लेकिन यहाँ वैसा करेंगे नहीं, यहाँ हम क्या करेंगे, विल गो का यूज करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है, इट रेन फॉर टू आवर्स। आपको फोर टू आवर्स दिख गया, सिंस फोर जहाँ दिख गया उसको हैज हैड प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, आँख बंद करके कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, आपको यहाँ फॉर दिख गया तो आँख बंद करो और आराम से यहाँ पे हैज बीन रेनिंग, ठीक है, फॉर टू आवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फोर्थ सेंटेंस को हमने करेक्ट किया, अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे अच्छे अच्छे 7-8 और क्वेश्चन को। टोटली हम 15 से 20 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिए और अपने सारे प्रॉब्लम्स को कंसेप्ट को यहाँ से दूर कर लेना है कि आगे टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने नेक्स्ट स्लाइड में बात किया था, 4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हुआ था और आगे क्वेश्चन को हमने इस स्लाइड में डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आई शैल गो बिफोर द सनसेट। ठीक है, तो मैं अपने आपको बताया था इसमें ये कंडीशन वाली सेंटेंसेज है। ठीक है, यदि वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा, ठीक है, मैं वो ऐसा करेगा तो मैं उसके साथ वैसा करूँगा, ये सारी कंडीशंस बैठती हैं। तो यहाँ आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई शैल गो, मैं जाऊँगा, ठीक है, बिफोर किस चीज़ के पहले, द सनसेट। ठीक है, तो द सनसेट का मतलब क्या हो गया, या कि प्रेजेंट की हटना है तो अपना फ्यूचर में, प्रेजेंट में अगर सनसेट करेगा तो अपना फ्यूचर में वो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे माइंड में बैठाना आपके। ठीक है, तो एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसमें बिफोर के पहले आपको क्या हो गया कि ये क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया ना, तो बिफोर के बाद सेंटेंस क्या होगा आपका, सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट का कंडीशन क्या पता आपको, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो सबसे पहले, यहाँ उसकी बात तो है नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात तो है नहीं। ठीक है, फिर भी आप यहाँ देखो कि सन के साथ दी सन अकेला होता है, तो सन क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थ्रू, तो यहाँ सन के साथ सेट क्या होगा, यहाँ सेट मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमेशा प्लूरल होती है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा, यहाँ सेट्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर, इफ़ यू हेल्प मी आई हेल्प यू। ठीक है, यहाँ आपका है इफ़ यू हेल्प मी आई हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ गलती क्या है, या इफ यू हेल्प मी, ठीक है, यदि आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, तो अगर आप मेरी मदद अभी करोगे तब मैं फ्यूचर में आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तो सेंटेंस ठीक है, इफ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो ये सही है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हो जाएगा आई हेल्प यू की जगह पे आई शैल हेल्प यू। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं भी आपकी मदद करूंगा फ्यूचर में, इन द सेल्फ फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, याद किया, हु डिस्कवर अमेरिका, तो अमेरिका की डिस्कवर प्रोजेक्ट में थोड़ा ना हुई है, यहाँ आपको पढ़ने से ही लग रहा है ये घटना क्या आपकी पास्ट की घटना है। ठीक है ना, तो अगर पास्ट की घटना है तो ठीक है, तो हु डिस्कवर अमेरिका, तो यहाँ डिस्कवर के जगह पर क्या हो जाएगा आपका, डिस्कवर्ड हो जाएगा, डिस्कवर्ड। ठीक है ना, यहाँ डिस्कवर्ड हो जाएगा क्योंकि ये आपकी पास्ट की घटना को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद क्या है, 8 नंबर, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर के, तो ये वाला सेंटेंस तो आप अच्छे से जानते हो, जाना साना जाना समझा आपका है, द पेशेंट हैड डाइड हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के। आगे आइए, आगे वही वाली सेंटेंस है जो आपकी ये कंडीशनल टाइप की है। ठीक है, इफ आई बी अ किंग, तो बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, इज आर वाज वर्थ, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, इज आर एम वाज वर्थ कुछ भी। तो यहाँ आप देखिए, मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, जनरल केस में आपको आई के साथ वाज लगता है, लेकिन
जब भी आपकी बात आई इच्छा कामना चाह इस टाइप की कोई भी बात हो तो वहाँ मैंने आपको बताया था आई के साथ आप वर का यूज़ करेंगे, तो वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ रहेगा। इफ आई वर ए किंग आई वुड बी हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ आगे क्या है, आई लिव हेयर सिंस, आपको सिंस अब फॉर दिख गया तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे आपको है दिया है तो आई के साथ क्या लगता है, सॉरी आई के साथ क्या होगा, आई के साथ आई हैव बीन हेयर सिंस 1980, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन डिस्कस हुआ, आगे की 5-6 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इसको सारी कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो हमने अभी तक 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था, आगे 5 क्वेश्चन को हम यहाँ फाइनली डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ हम टेंस के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करने वाले हैं। और इसके बाद मुझे तो नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम बचा होगा, अगर आपको तभी अगर कहीं टेंस में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उस तरह के टाइप को हम और नेक्स्ट वीडियोज में उसको लेके आएंगे, उस टाइप के और सारा बहुत अच्छे अच्छा सोल्यूशन लेके आएंगे। तो आइए देखते हैं इस 5 क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, ही नॉट रिटर्न येट, तो यहाँ का कीवर्ड क्या दिख गया आपको, येट। येट क्या सोर्स रिप्रेजेंट होता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है ना। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नोट करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही नॉट रिटर्न का ही हैज नॉट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो आप, ये सारी बातें जो मैंने बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ये सबको आप बुक्स में अपने नोट्स में नोट करते जाओ, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कौन सा कीवर्ड लग रहा है, तो वहाँ क्या दिख रहा है, या फिर पेपर में आप जहाँ नोट कर रहे हो अपने बुक में नोट कर रहे हो वहाँ एग्जाम्पल इसको लिखो, और इसके साथ में यहाँ ये है कि इसके नीचे उसका मतलब डिस्क्राइब करो उसको कि यहाँ ये है इसके वजह से, यहाँ हम यहाँ प्रेजेंट क्या लगाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगाए हैं, ये सारी बातों को आप नोट करते जाओ, इसलिए फ्यूचर में आपको कहीं रिविजन करना हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी टेंस को समझने में। तो यहाँ क्या येट है, ये आपका हैज नॉट हो गया ना, हैज नॉट रिटर्न हो गया, ठीक है। आगे आइए, दे क्या आ गया, ही, हाँ सॉरी, ही है ये, ही वॉच द टेलीविजन नाउ, आपको नाउ दिख गया तो नाउ आपको देखते ये तो लग गया कि आपका ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस में भी किस टेंस का है आपको ये जानना होगा स्ट्रक्चर को स्वॉप करने के लिए, तो उसको करने के लिए क्या आपको जरूरी है, नाउ मिल गया तो नाउ से क्या लगता है आपको, नाउ मैंने आपको बताया था टेंस पढ़ाते टाइम की क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट कर रिवर्स टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो नाउ देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज वॉचिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हमने स्ट्रक्चर क्या बताया था, स्ट्रक्चर क्या था उसका, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस भर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता था, तो मैंने इस स्ट्रक्चर पे इसको बैठा दिया और ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, दे यहाँ कम है ब्रैकेट में, हैव कम हेयर ए मंथ एगो यानी एक महीने पहले, यानी आपकी पास्ट की बात हो रही है, यहाँ जहाँ भी आपको एगो दिख जाए, एगो का मतलब पास्ट है, और पास्ट में कौन सा पास्ट है, आपका पास्ट इंडिफिनिट होता है, तो यहाँ दे कम के जगह पर क्या हो जाएगा, दे केम हेयर, ठीक है। आई क्या 14th में, सी गोज टू दी मूवीज एवरी संडे, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरी संडे क्या है, एवरी संडे से मतलब क्या हो गया आपका, कि ये आपका ये रूटीन एक तरह का बन गया ना, कि हर दिन ये करते हो, हर संडे आप मूवी देखने जाते हो, ये डेली का हैवी रूटीन हो गया आपका, हर वीकेंड का रूटीन हो गया, तो यहाँ पे रूटीन हो गया, मैंने आपको बताया था रूटीन की बात, तो हैबिट की बात यहाँ हम उसको यूज करते हैं कहाँ, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में कहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी गो के जगह पे सी गोज, और गोज क्यों होगा, क्योंकि सी सिमिलर है, तो यहाँ भर भी सिमिलर लगेगा, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आई क्या है, माई फादर भी 17 नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो यहाँ फिक्स बात नहीं है, फिक्स डेट नहीं है, फिक्स डे नहीं है,
नेक्स्ट मंथ मंथ में किसी दिन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो फिक्स डेट की बात नहीं की गई है, तो यहाँ इसको हम फ्यूचर में ही बनाएंगे। फिक्स्ड मंथ तो है लेकिन आपका क्या है, फिक्स्ड वे नहीं है, फिक्स्ड डेट नहीं है, तो यहाँ हम इसको फ्यूचर में बनाएंगे। यहाँ क्या बनेगा, माई फादर सेल बी 70 नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो हमने 15 क्वेश्चन के थ्रू लगभग लगभग सारे कम से 15 क्वेश्चन इस टाइप से, 15 क्वेश्चन फिल में ब्लैंक्स में लगभग 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई कंसेप्ट बचा आपको, मतलब टेंस कुछ में हम मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ वैसा कुछ बचा हुआ है। तो टेंस के चैप्टर को हम यहाँ क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोज में वही ग्रामर के सेक्शन को चालू करेंगे और उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए और भी ऐसे ऐसे अच्छी वीडियोज़ के लिए।